आपके एग्जाम्स में अभी 50 डेज का समय बाकी है, तो आपको इन 50 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तो कॉन्फिडेंटली बैठो। आई सपोज कि आपकी अब तक सारी क्लासेस वगैरह सब खत्म हो गई होगी, अब गेम है रिविजन्स का, अब गेम है प्रैक्टिस का, और इन दोनों चीजों से जो आप गेन करोगे वो है कॉन्फिडेंस। तो गेम अभी कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं, एक बच्चा जब एग्जाम लिखने बैठता है, अगर उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, तो उसका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। पर अगर उसका कॉन्फिडेंस, जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपका कॉन्फिडेंस कहीं शेक कर रहा है ना, इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट द आंसर्स दैट यू आर राइटिंग इन दी 3 आवर्स। तो कॉन्फिडेंस का ही गेम है, और कॉन्फिडेंस कैसे लाना है इन 50 दिनों में, उस पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि आपको गाइड करूं, मोटिवेट करूं, आपको मेरे नेक्स्ट रिविजनरी सेशंस के बारे में भी बताऊं। इस वीडियो में मैं आपको मेरे CA इंटर लॉ के जो रिविजन आने वाले हैं उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा डिटेल देने वाली हूं, तो स्टे ट्यून्ड। चलिए, सबसे पहली चीज, 50 दिनों को कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक सिंगल टिप दूंगी, 50 डेज में आपको कैसे पढ़ना है। हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन में कर रहे हो, मतलब एक सब्जेक्ट पूरे एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, या हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट्स लेते हो एक दिन में। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरी को पेयर करके पढ़िए। सुबह का जो समय होता है वो थियोरी पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है, तो सुबह 4 से 5 घंटे अर्ली उठो, जल्दी उठो, और सुबह 4 से 5 घंटे थियोरी सब्जेक्ट को पढ़ो, और थियोरी को सुबह सुबह ही निपटा दो, और पूरे दिन आप प्रैक्टिकल पढ़ो। ऐसा मेरा मानना है और यही मैं सजेस्ट करती हूँ सभी बच्चों को। अब पढ़ना कैसे है कि जब आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, लेट से आप लॉ पढ़ रहे हो, तो लॉ में जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो साइमल्टेनियसली वो चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो साइमल्टेनियसली उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उससे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर पे। क्या होता है, आप पूरा चैप्टर रिवाइज तो कर लेते हो, पर प्रॉब्लम कहां आती है, आपने जब क्वेश्चंस नहीं पढ़े होते हैं ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता है उतना। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, व्हेनेवर फॉर व्हाटएवर सब्जेक्ट, जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चंस आपके पास है सबको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली विद रिविजन्स, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाएंगे। ये जो रिविजन्स है, ये वन ऑफ द लास्ट रिविजन्स है जो आप कर रहे हो, तो ये रिविजन्स आपकी थोरो होनी चाहिए, बिल्कुल थोरली आपको रिवाइज करना है। हो सकता है ये इस रिविजन के बाद आप एक बार और रिवाइज कर सको, पर उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो रिविजन्स है, अब इन 50 डेज में मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं कि कम से कम आप इन 50 दिनों में अपने एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार रिवाइज करोगे। जो अभी पहली रिवीजन करोगे वो आप थोरो रिवीजन करोगे, डिटेल्ड रिवीजन करोगे, और जैसे ही एक चैप्टर को रिवाइज करोगे उसके क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। एंड सेकंड, जो आप इन 50 दिनों में जो सेकंड रिवीजन आप करोगे वो कहीं ना कहीं एक समराइज रिवीजन होगी, एक प्रिसाइज रिवीजन होगी। तो ये जो पहली रिवीजन आप अभी करोगे ना, ये आपकी थोरो रिविजन आप करने वाले हो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आप जैसे ही एक कॉन्सेप्ट को पढ़े उसके बेस्ड क्वेश्चंस को आप, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आप साइमल्टेनियसली करना है। आप सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो बाद में कभी नहीं आएगा, अभी ही है जो समय है उसमें करके खत्म करो। एंड मैं आपको सजेस्ट करती हूं नेक्स्ट चीज कि अभी MCQs का बहुत बड़ा रोल आपके एग्जाम्स में रहेगा, तो MCQs के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं, आप जब रिवाइज कर रहे हो ना, आप सभी कॉन्सेप्ट्स को, चीजों को अगर अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना, तो कोई भी MCQ आपके एग्जाम में आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, पहले रिविजन अगर बढ़िया है, तो आपके MCQ साइमल्टेनियसली आपके हो जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी से अगर आपने एक टाइम टेबल नहीं बनाया है तो एक टाइम टेबल बना दीजिए कि 50 डेज में आप पहले किन किन सब्जेक्ट्स को करेंगे, फिर सेकेंड टाइम आप कैसे रिवाइज करेंगे, ये आपके दिमाग में फ्रेम्ड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसको रिगरसली फॉलो करो, टाइम टेबल को फॉलो करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 10 में से 9 या 8 चैप्टर्स भी पढ़ के जा रहे हो ना, अगर वो 8 चैप्टर्स थोरली अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, अगर आपका उनपे कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, तो भी आप एग्जाम को पास कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको एनकरेज कर रही हूं कि एग्जाम में कुछ छोड़कर जाओ, अभी बहुत समय है, इजिली सारी चीजें कवर हो सकती है आपकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो आप ट्राई करें कि सब कवर करें, पर इन केस अगर कुछ छूटता भी है ना, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। अगर आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, तो हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर आप 90% भी पढ़कर जाते हो ना,
अच्छे से पढ़ के जाते हो, इस तरीके से पढ़ के जाते हो कि अगर इनमें से कुछ भी सवाल आ जाए वो आप आंसर कर पाओगे, तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आप अच्छे से एग्जाम में अपियर कर पाओगे। डोंट यू वरी, अभी बहुत समय है, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, डोंट यू वरी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके मैं बोलती हूं, जिन एडजस्टमेंट्स में आप अटक रहे हो, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कम से कम उनको लिख के प्रैक्टिस करो। और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो मैं हमेशा ही बोलते आई हूं, रोज एक क्वेश्चन लिखकर देखो, क्योंकि क्या होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन की शीट आपके हाथ में आएगी ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। अगर आप अभी लिखकर नहीं देखोगे ना, सिर्फ रिविजन 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 और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी लिखकर नहीं देखोगे ना, एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे स्टार्ट करूं, कैसे लिखूं, अरे हाउ टू स्टार्ट एन आंसर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सी। तो वन क्वेश्चन प्लीज राइट, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, तो यू आर नॉट समबडी हू इज अदर देन द लॉट, राइट। तो रोज एक क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो और आप देखो कि आपकी क्या इंपैक्ट पड़ेगी आपके आंसर्स में, ठीक है। And the last thing that I would want to tell you guys is about the CA Intermediate Law Revisions. बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मैडम CA Inter के लॉ के revisions कब आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ला रही हूँ on the 16th. Yes, 16th of this month. तो 16th of March को आपकी एक वीडियो आएगी, जिस वीडियो में कंपनीज एक्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उस एक वीडियो में कवर्ड होगा। मतलब उस वीडियो में मेरे ही रिविजन्स है अलग 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 चैप्टर के, जो मैंने साथ में कंबाइन कर दिए हैं, और उसमें आपका हर चैप्टर ऑलमोस्ट 90-95% कवर्ड रहेगा। तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने रिविजन्स को कर सकते हो। ये वीडियो आ रही है 16th को ऑन अल्टीमेट सीएस चैनल, ये वीडियो आएगी, और इस एक वीडियो में आपके कंपनीज एक्ट कवर्ड होगा एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 9। हाँ, आपका चैप्टर नंबर 9 कवर्ड नहीं होगा उसमें, उसके अलावा आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स उसमें कवर्ड होंगे, इंक्लूडिंग जिन चैप्टर से आपको डर लगता है, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 2, अभी चैप्टर 2 में तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो वो सब कवर्ड होगा। तो डरिएगा मत, हर चैप्टर का 90-95% कंटेंट उस वीडियो में कवर्ड रहेगा। तो उस एक वीडियो को देखकर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, तो वेट करिए, मार्क योर कैलेंडर, 16th इज द डेट, उस दिन ये वीडियो आपके लिए मैं पब्लिश कर दूंगी ऑन द अल्टीमेट सीएस चैनल। ये वीडियो पब्लिश होगी ऑलमोस्ट बाय 4 PM 16th मार्च को 4 PM ये वीडियो पब्लिश होगा, और उसके बाद ये वीडियो हमेशा आपके लिए यूट्यूब पे तो अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी जब अपने रिविजन्स करना चाहो आप उस एक वीडियो पे जा सकते हो, आपको कुछ और सर्च करने का जरूरत नहीं है, उस एक वीडियो पे जाओ और पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर लो, उस एक पर्टिकुलर पार्ट से आपका 90-95% चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 16th 4 PM, एंड यस, गुड लक टू यू गाइज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम अगेन कि पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, मत करो ये सब, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।